तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जाएंगे सागुना झर, जो कि सोरो से कुछ किलोमीटर है। तो चलते हैं, राइड शुरू करते हैं। बहुत देरी भी हो चुका है, अभी 12:07 बजा है। तो चलते हैं। और मेरे साथ ये जा रहा है मेरा फ्रेंड बाबू। हाय बोल दे। हाय। तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी। गाँव की तरफ जाते हैं तो सीधा यहाँ से हाईवे हाफ किलोमीटर है, तो हाफ किलोमीटर चलते हैं आगे से। तो गाइस, और 4 मीटर के बाद हाईवे पड़ेगा। तो हाईवे को यहाँ पे रुक के लोकेशन चेक कर लेते हैं और कितना किलोमीटर है। तो चलते हैं, यहाँ पे रुक के चेक कर लेते हैं। 37 किलोमीटर दिखा रहा है। रोड का हालत अच्छा है, लेकिन बीच बीच में गड्ढा आ जाता है, इसलिए हम देख के जाना पड़ता है। रास्ता का हालत बहुत बुरा है। प्यास लगा है, इसलिए हम यहाँ से रुकेंगे और थोड़ा वहाँ पानी पियेंगे और कुछ बिस्किट खा के निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा पानी पी लेंगे। Thank you.
चलेंगे। बहुत ऊपर है को बढ़ाई पड़ जाए तो ऊपर माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। आप आ सकते हैं लेकिन फोर व्हीलर से नहीं, फोर व्हीलर जब लाओगे आप वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा आपको। तो आप टू व्हीलर जो ला के आए, बुलेट ही आ सकता है। तो हमें बुलेट में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे कते बाट हम कौन बाट या कर गाड़ी जीवन गाड़ी जीवन गाड़ी गाड़ी ये जीवन अच्छा हाँ धन्यवाद बट बॉस है टाइगर आ रहा है टाइगर जिंदा है। अरे नहीं वो खामो को डरा रहा है तो यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने वहाँ पे एक आदमी को पूछा था तो डरा हुआ रास्ता है। तो देखिए आगे किसी ने कुछ रख दिया है तो अरे बाप रे वहाँ से जो व्यू देख रहे थे अभी अंदर हम आ रहे हैं। यहाँ से बाइक को साइड कर लेते हैं। ओला गाड़ी को यहाँ पर रख देते हैं और आगे नहीं जाएगा। लॉक करके गाड़ी को छोड़ के जाएंगे। लॉक हो चुका। तो देखिए ये जंगल कितना सूना सूना लग रहा है। तो हेलमेट भी हम रखे यहाँ पे। इधर जंगल
जो लोग जंगल में रहते हैं अगर वो लोग आए तो तीर फिर लेके हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? अबे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं, उनको तो बोलना भी नहीं आता है ना, वो हूँ हाँ होते हैं। अरे बाप रे, बहुत वो हूँ हाँ होंगे तो हम कैरी भाई को फोन कर देंगे और वो सब सामान लेंगे। अरे यार कुछ नहीं होगा, तो बहुत ही डरा हुआ लग रहा है मुझे, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए आगे देखिए, कुछ आवाज आ रहा है टडिंग टक टक। अरे ऐसा मत बोल यार, मेरे धड़कन तेज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए, मौसा एटी जो झरणाटा कोठी अछि एटू केते बाटा होबो टिकट गे होडिया टिक पारो आगे। धन्यवाद। तो मुझे सांस हो गया है। अच्छा ये जो टपाटप जो आवाज आ रहा था ना, वो जो हमारा गोट से उनके नेक पे साइड हो जा बांध देते हैं ऐसे करके, ताकि वो गुम ना हो जाए। तो आप भी ये देख सकते हैं। मोसा झरणाटा एटू कोटी बाट ढेर बाट तो ढेर बाट माने कत्ते बाट ए ए ए हुडिया हा जो मुंड पूरा मुंडी देख पा। अच्छा तो माने कत्ते गोटे किलोमीटर भले हा बेसी हो त ए तो तळु को कोठी खसी छी से बाटडा कोई बरी माने तळे कोठी खसी थियो तो पानी तले हां हां सहीटा पासे कहउचन हो ए बाट जे आगर गोटे पदा आज हेरी पदा ए तळु को मिलो से पानीटा खसी। गाडी टा आइला से मझि रखछु किछ असुविधा हबो कि मझि रखे ए माने मम पूरा बहुत बहुत आगर तांकी हो आ गया जाई पर ना। हाँ अच्छा धन्यवाद। तो हम पूछ लेते हैं, मुझे अभी भरोसा हो गया है। गोट की खेती करते हैं, उनको पालते हैं। ये साला डिस्कवरी चैनल में मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे बोल रहा है। तो मेरे को देख के लगता है कि आज खाने को तो कुछ टेंशन ही नहीं है, सिर्फ मटन ही मटन दिख रहे थे। दिख सकता है किंतु खा नहीं सकता। तो मुझे अभी कोई डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे लोग हैं, तो डरने के कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम इस तरफ चलते हैं। ये सही रहा, ये लगता तो है सही रास्ता। वहाँ लोग भी बोल रहे थे सही है रास्ता। तो हम भी, हमें भी पता नहीं है कि हम धीरे धीरे इतना ऊपर आगे हैं। आप पीछे तरफ अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो उस तो चलते हैं, यहाँ से कुछ देर हमने रुके थे। तो अच्छा हुआ आज मैंने शूज नहीं पहना, तो शूज पहने तो बहुत बुरा हाल हो चुका था हमारा। तो देखिए ग्लोव्स है। और ऊपर कितना दूर दिखा रहा है, मैप तो काम नहीं कर रहा है। हम पूछ के आ जाते हैं। तो चलते हैं बहुत। देखिए मुझे पूरा भरोसा हो गया है, अभी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह लोग हैं, तो डरने का कोई बात नहीं।
बहुत थक चुके हैं अभी 5 किलोमीटर आगे आगे हैं। तो यहाँ से कितना दूर दिखा रहा है, मैप दिखा रहा है ऊपर जाना, और ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं हम दोनों। मैं आपको कुछ व्यू दिखाता हूँ, देखिए। देखिए यहाँ से पानी नीचे जा रहा था तो अभी सूख चुका है, तो नहीं ऊपर शायद होगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि पानी तो नहीं है, ऊपर जाके क्या अगर करेंगे। ऊपर होगा तो फिर नीचे तो आ रहा होगा ना पानी। हाँ। तो पानी तो यहाँ से नहीं आ रहा है, इधर से नहीं तो इधर से भी नहीं आ रहा है पानी, तो भी आवाज तो आ रहा होगा कि पानी झर रहा है, तो वो भी नहीं आ रहा है। अरे वो जल्दी आ यार। तो हम आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा क्योंकि आप अगर ब्लॉगर हो तो यहाँ पे नहीं आइए, तो आप जब भी आइए सेफ्टी के साथ आइए। और कुछ गाइस मैं कुछ और भी फेयर ले सकता था इसलिए नहीं लिया, वहाँ पर जो अजीब सा आवाज़ आया हमको बहुत डर लगा, वो किसी जंगली जानवर का आवाज़ था। तो वहाँ के कैमरा ऑफ करके तुरंत निकला वहाँ से, और ज़्यादा स्पीड में नहीं आ रहे थे क्योंकि हम नीचे के तरफ आना ही हो, हमको नीचे ही आना था, इसलिए हम ज़्यादा स्पीड में नहीं आ रहे थे। तो आते वक्त एक मुश्किल और हो गया, मैं कहाँ पे बाइक रखा वो हमने रिमाइंड नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत ही मुश्किल से बाइक को ढूंढा और वहाँ से तुरंत निकला। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं ओडिशा का सब प्लेस घूमूंगा और आपको सबका व्यू दिखाऊंगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।